ये देखिए बारिश के दिनों में कितना बुरा हाल। हमने A1 के हरियाणा के माध्यम से आपको दिखाया था कितना बरसात के समय बुरा हाल हो जाता है, यहाँ से निकलना आम जनता का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी प्रशासन मौन है। ये कितना पानी भरा हुआ है आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ पानी लपालप भरा हुआ। जाखल मंडी का ये मेन रोड मल्टी कम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसके साथ में कितनी बड़ी दरारें आपको देखने को मिल रही हैं। ये दृश्य हमने आपको होली से पहले भी दिखाया था, आज बारिश इत्तेफाक से हो चुकी है, फिर भी आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दरारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और पानी भरा हुआ है। रात के समय जो पब्लिक रेलवे स्टेशन से आकर अपने घरों को जाएगी तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज भी इस समय पब्लिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी ये बताएं, बरसात के समय जाखल मंडी का ये मेन रास्ता है, एक सब्जी मंडी को जाता है, एक रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड को जाता है, यहाँ पर आम पब्लिक को तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोकल शहरवासी हैं उन्हें भी पानी से गुजर के जाना पड़ता है, तो आप इस दृश्य को किस नज़रे से देखते हैं? जहाँ तक कुल मिलाकर मेरा तो यही कहना है कि जो ये मेन रास्ता है, तकरीबन सैकड़ों वाहन यहाँ प्रतिदिन इधर से निकलते हैं, कोई स्टेशन की तरफ जाता है, कोई बस स्टैंड की तरफ जाता है, और जो आज बारिश के बाद का जो दृश्य है, बड़ा गमगीन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि किसी भी हालात के अंदर यहाँ कुछ भी घटना घट सकती है। और मेरी प्रशासन से, एज ए म्यूनिसिपलिटी सचिव से और नगर पालिका प्रधान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जनता की समस्या को देखते हुए जो ये कार्य चल रहा है, बड़ा लंबा समय से, तकरीबन एक साल से ये कार्य का शुभारंभ हुआ था और आज भी ये बिल्कुल कीड़ी की चाल से, बिल्कुल स्लो, बड़ा स्लो तरीके से चल रहा है। और मेरी यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी त्वरित होकर कार्रवाई करवाने का कष्ट करें और जनता को इस समस्या से जो निजात दिलाने की हमारे को कृपा करें, और कोई भी हादसा जो घटने की आशंका रहती है ताकि वो शीघ्र दूर हो सके। सुरेंद्र जी, आप देख ही रहे होंगे जो मल्टीप्लेक्स बन रहा है, इसके बराबर में कम से कम 4 फुट लंबी दरार 200 फुट लंबी दूर तक जा रही है, इसमें बहुत बड़े हादसे होने के एक संकेत नजर आ रहा है। क्या ये प्रशासन या नगर पालिका या मल्टीप्लेक्स जो बना रहे हैं ठेकेदार, उनका दायित्व नहीं बनता इसको भरने का? मेरी तो माननीय SDM साहब से भी और पहले भी नगर पालिका सचिव का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उनसे गुजारिश है कि ठेकेदार की भी त्वरित खिंचाई की जाए ताकि इस काम को वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कृपा करें। और इसमें मैं बिल्कुल इनकी नलायकी मानता हूँ, क्योंकि बारिश के दौरान ये इतना बड़ा खड्डा जो हुआ है और वो भर जाने के कारण किसी भी स्थिति में एक्सीडेंट की घटना भी घट सकती है और जान का भी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है हर समय यहाँ पर। सुरेंद्र जी, इससे पहले आप जाखल मंडी के सरपंच थे, यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल बना हुआ था, आपको पता ही है ये। अब ये मल्टीप्लेक्स बन रहा है, मल्टीप्लेक्स बना है तो इसको 10 फुट नीचे डूंगा खोदा गया, यहाँ पर लाखों रुपए मिट्टी की चोरी का घपला सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये मिट्टी बिकी तो बिकी कहाँ पर? जहाँ तक मल्टीप्लेक्स की बात जो आपने की है उसकी तो मैं प्रशंसा ही करूँगा कि चलो ये काम है जो सार्वजनिक तौर पर ये काम जो हो रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है, कोई इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं इस काम की निंदा नहीं करता, काम होना चाहिए, अच्छे काम सामाजिक स्तर पर भी है, चाहे वो राजनीति का भी इसमें तालमेल रहा है कि काम हो रहा है ये। और जहाँ तक मिट्टी की बात है, ये प्रशासन का काम है और ये प्रशासन के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और जहाँ तक मिट्टी की बात आती है, इसकी मिट्टी की जानकारी के बारे में प्रशासन को भी आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि इसकी जानकारी बोले, कहाँ बिकी है वो, कैसे उसका तालमेल हुआ है।